ये देखिए लोग कैसे लटक कर जा रहे हैं। ये हाल एसी का है। ऑल ओवर जितना जनरल लोग है सब हमारे को। ये देखिए खुलवाना चाह रहे हैं। अरे आंटी हम लोग थोड़े से में तो है, तीन तीन बैठे हुए अब कहाँ मतलब। अरे जो जाएगा किसको जाना तो मैं। उधर पूरा मार लग गया। आज क्या है? कुछ नहीं है, सही भीड़ होता है। अरे 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 इतना लोग किधर से चढ़ेगा, मुझे लगता है इधर से चढ़ेगा। मतलब यार अपना सेट होते हुए भी हम लोग चैन से नहीं बैठे हुए। एसी का डब्बा जनरल बन चुका है, इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। किसको किसको देखना था यार मेरी जनरल वाली व्लॉगिंग। अरे भाई थोड़ा सामान हटा के तो आज आपको दिखाते हैं थर्ड एसी में जनरल का व्यू। सो गाइस अभी फिलहाल मैं हूँ 13347 पलामू एक्सप्रेस में, जो कि है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की ट्रेन और ये चलती है बड़कागाना से पटना के बीच। ये डिस्टेंस कवर करती है 492 किलोमीटर 12 घंटे में। आज का हमारा कोच है B1 और यार इसके हालत आप देख रहे हो, यहाँ पे कांच जो है पूरा चकनाचूर हो गया है, प्लास्टिक सेलो टेप से चिपकाया गया है। बताओ बाहर से तो हालत थोड़ी खस्ता है, चलिए आपको दिखाते हैं अंदर से इसका लुक, ये अंदर से क्या हाल है। अंदर से कुछ ऐसा है, कुछ ICF है। और यार मैं बात करना चाहूँगी चार्जिंग पोर्ट्स की, चार्जिंग पोर्ट्स का हालत बहुत ख़राब है। देखो मात्र एक चार्जिंग पोर्ट वर्क कर रहा है, एक इधर का भी ये वाला दिया गया था ये ख़राब, मेरे साइड भी एक दिया हुआ था वो नीचे में वो भी ख़राब। 8 सीट पर 3 चार्जिंग पोर्ट जिसमें कि 2 ख़राब ही है। और बाथरूम से भी जैसे आते आया नल की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, गड़िया रहा था पूरा। पानी मारोगे ना तो पानी उधर से इधर आ जाता है, लाइक हम लोग जहाँ खड़े रहते हैं प्लस दबाओगी पानी इधर बाहर आ जाता है। हालत तो ख़राब है भाई, बट क्या किया जाए। सामने आई है जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस। टाइम हो गया 9:25, ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है यहाँ से। ये देखो ग्रीन सिग्नल हो रहा है। हम लोग इन कर रहे हैं अब पतरातू। पतरातू बिल्कुल ऑन टाइम, यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट और यहाँ का स्टेशन कोड है PTRU। अगर आप कभी पतरातू आते हैं तो यहाँ की पतरातू घाटी, पतरातू डैम घूमना बिल्कुल मत भूलिएगा। पतरातू यहाँ के थर्मल पावर प्लांट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे आप जब डैम आओगे ना घूमने के लिए तो वहाँ सामने से आपको दिखता है पूरा पतरातू का थर्मल पावर प्लांट। इस बार मैं टिफिन में लेकर आई थी ब्रेड बटर एंड जैम, माय फेवरेट। लो आदि ये वाले में कुछ नहीं लगा हुआ, ये वाले में था। उस ट्रेन में भी कोई भी पैंट्री कार्ड नहीं है और यार ऑल ओवर नाइट की जर्नी है तो कुछ आएगा भी नहीं बेचने के लिए, तो हमेशा खाना भी आपको साथ में लेकर चलना होगा। यहाँ पर मेरा सॉकेट ख़राब था, अभी मैंने फिर कोच स्टाफ को बताया कि ये ख़राब था तो उन्होंने इसे ठीक करके दिया। अभी मैंने सारा कुछ कनेक्ट करके रखा ताकि चार्ज हो जाए, सब चीज़ डिस्चार्ज हो गया है। क्योंकि आते आते एक जर्नी सूट करते हुए आई थी रांची दिल्ली गरीब रथ का, अगर नहीं देखा हो तो उसका लिंक भी आई बटन पर है। और यार इस ट्रेन में लिनन नहीं मिलने वाला है और टाइम काफ़ी हो चुका है तो मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। अगर कोई भी आ रहे होंगे तो घर से चादर वादर लेकर आइएगा, एसी है ठंड लगेगी।
हमारी ट्रेन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है और अभी वक्त हो रहा है सुबह के 4:05। यहाँ पर इस ट्रेन का लोको रिवर्सल होगा, इसी वजह से यहाँ पर 20 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। इस ट्रेन को अच्छे से 3:50 में यहाँ पहुँच जाना था, 4:05 में पहुँची है। डेहरी ऑनसोन जो जगह है ये सोन नदी के किनारे बसा हुआ है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डेहरी ऑनसोन, सोन नदी के किनारे बसा हुआ डेहरी। डेहरी ऑनसोन को बहुत सारे नामों से लोग जानते हैं, डिहरी, डेहरी, कुछ डेहरी डालमिया नगर भी कहते हैं। सारी का मतलब एक ही है, डेहरी का बेसिकली मतलब होता है चौखट, दहलीज, क्योंकि यार ये सोन नदी के एकदम किनारे है। जैसे ही आप सोन नदी का पुल पार करोगे डेहरी ऑनसोन आ जाएगा। चलिए आपको दिखा दिया जाए लोकोमोटिव, ये है DDU का VAP 4। सामने से हो रहा है ताप्ती गंगा का डिपार्चर जो कि धनबाद फिरोजपुर के बीच चलती है। यहाँ से मैंने लिया है ये दो खाने पीने की चीज। अभी टाइम 4:24 हो गया है, लोको डिटैच ही नहीं हुआ उधर से, भगवान जाने अटैच कब होगी। हमारी गाड़ी जो इतनी ज़्यादा लेट हुई है ना कि बाहर देखो सवेरा हो चुका है, अंधेरे में आए थे और यहाँ सवेरा हो गया। Many minutes later. टाइम 4:53 हो गया, अब जाके यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। अपने समय से 43 मिनट्स लेट। अनुग्रह नारायण रोड इन कर गए हम लोग। अपने समय से 1 घंटे लेट हम लोग पहुंच गए अनुग्रह नारायण रोड। यहाँ का स्टेशन कोड है AUBR। यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है और अब हम लोग आ चुके हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले तक हम लोग थे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, अब है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इस स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर मात्र 1 मिनट ही ट्रेन रुकी क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट चल रही है, सो इस वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुआ था इस ट्रेन का अराइवल।
अभी आया है रफीगंज स्टेशन। यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। बाबा रे क्राउड तो काफ़ी है यार। इस स्टेशन का कोड है RFJ और ये भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। हमारी ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही है और एक सामने से ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी वाली है। ये देखिए गया स्टेशन से चढ़ने वालों की भीड़ देखो आप यार। अभी मुझे कुछ देर पहले TTA के लिए बता के गए थे कि 3rd AC तक में भी पूरा जनरल की भीड़ चढ़ जाती है, देखते हैं क्या हाल होने वाला है। बाद भीड़ पूरी रुक रही है। 5 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज है और ट्रेन जो है ऑन टाइम ही पहुँची है। 6:45 पहुँचने का टाइम है, 6:42 हो रहा है। ये देखो लगभग लोकल लोग वाकई चढ़ी जाते हैं यहाँ पर। गया स्टेशन की बात करें तो इस जगह का जो नाम है ना, ये पड़ा था एक राक्षस के नाम पर। यहाँ पर आकर आप महाबोधि मंदिर, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसे घूम सकते हैं। विष्णुपद मंदिर है, वहाँ घूम सकते हैं। और ये सारी जगह मैंने ऑलरेडी आपको घुमाई भी है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। गया का पूरा नीचे प्लेलिस्ट दे दूंगी मैं, जितनी जगह है ऑल टोटल मैंने घूमी है। जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर है उन्हें पता है मैंने सारी जगह घुमाया है। गया का स्टेशन कोड है GAYA, गया ही। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारी ट्रेन आकर रुकी है। सामान सामान तुम्हारा अंदर ही है ना भाई? भाई है ना, आज क्या है? कुछ नहीं है, सही भीड़ होता है। ये सारे जनरल लोग ही चढ़ रहे हैं मतलब, या फिर नहीं रिजर्व लोग भी हैं? अच्छा स्टाफ जो है वही है सामने। तो देखा आपने, मैंने बताया ना कि यहाँ से यार काफ़ी भीड़ चलती है। यही थे टीटी अंकल जिन्होंने मुझे बताया था, पहले से आगाह किया था। 2 ही इसमें AC कोच है, बाद बाकी स्लीपर है, जनरल है। सारे के फेयर आपको साइड में देख रहे होंगे। गाड़ी संख्या 133 गाड़ी संख्या 133 जो बरकाकाना से चलकर पटना को जाने वाले, बरकाकाना पटना प्लामो एक्सप्रेस 6 गया से हो रहा है अब डिपार्चर। AC
एसी का डब्बा जनरल बन चुका है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। टीटी अंकल की बात 110% सच थी। सुबह सुबह का वक्त है, गया सा पटना जाने वाले लोग काफ़ी, ऐसे मेमोज चलती है बट स्टिल क्या ही कहा जाए। ऑल ओवर में यहाँ से वहाँ तक लोकल पैसेंजर। इन सब में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जो रिजर्वेशन करवा के जा रहे हैं उनको। अभी फिलहाल में हम लोग एक सीट पे 3 जन बैठे हुए हैं। अभी आया है बेला स्टेशन, ये देखो यहाँ पे भी जनरल लोगों की मार चल रही है पूरा। ऑल ओवर जितना जनरल लोग हैं सब हमारे को, ये देखिए खुलवाना चालू। अगर खोल दिया गया ना अभी गेट तो ये कोच का हाल ऐसा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ऑलरेडी हमारा 2 सीट था, दोनों सीट में एक सीट वो अंकल ने ऑक्यूपाई कर लिया। हम लोग का जो सीट था उस पर हम और आदित्य बैठे हुए थे, उसमें भी आकर के सब ने, मतलब यार अपना सीट होते हुए भी हम लोग चैन से नहीं बैठे हुए। इसके बाद फिर से मेरी एक ट्रेन जर्नी, मतलब एक्चुअली 2 ट्रेन जर्नियाँ लगातार, इसके बाद 2 दिन में 4 ट्रेन जर्नी मैं लगातार कर रही हूँ। यही होता है, रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता है, चाहे आप कितनों बुकिंग करवा लो कोई फ़ायदा नहीं। बिहार के रूट्स पे ऐसा होता है कि मतलब ट्रेन जो है ना थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लोकल बन के चलने लग जाती है। सामने आई भी है पटना गया मेमो, इतनी इतनी मेमोज चलती है पटना से गया के बीच, स्टिल हालत ख़राब है। सेकेंड एसी का तो फिर भी बेहतर है, लोगों ने बैठने नहीं दिया है, बट हमारे कोच का हाल पूरा ख़राब कर दिया है यार, बहुत ज़्यादा। इधर से मेमो खुली, इधर से अपनी ट्रेन। इधर बिहार के रूट से मुझे जितना ज़्यादा प्यार है उतनी ज़्यादा नफरत भी है, क्योंकि इस रूट पे इतना खिंचाई होता है ना लोगों के बीच में कि क्या ही कहा जाए। फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से बोगी में हो, हर एक बोगी का सेम हाल। अब हम लोग पहुँचे जहाना बहुत, अब भीड़ देखो, थर्ड एसी में बैठने वाले लोगों की, एंड ये सारे जनरल लोग हैं। अभी देखना क्या हाल होगा यहाँ, अभी इतना खाली दिख रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बस इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि अब अंदर जाने तक के लिए जगह नहीं बचा, और कोई का बचा हुआ है चढ़ना। हम लोग क्यों है यहाँ, बेकार है उन लोग, पहले पता होता तो हम भी अपना आराम से गया तक का टिकट करवाते, गया से आराम से जनरल बन के जाते। हालत देखो यार, पूरा उधर तक पूछ पूछ के भरा हुआ है। ये हाल मुझे लगता है कि लास्ट टाइम मैं जिस जनरल में सफ़र करी थी, श्रमजीवी में भी जनरल कोच में, तब मैंने देखा था। उसके बाद अब गेट अब खुलेगा नहीं, ऐसा हाल हो गया है। क्या कर सकते बताइए, ऊपर का क्या बोले, सबको लेते जा रहे हैं ऊपर वाला भी, उन्होंने एक अंकल है वो ले लिए, यहाँ पर हम लोग ले लिए। तो लोग हलचल क्यों मचा रहे हैं, मुझे लगा रहे होगा स्कूटर में पहले नहीं उतरेगा तो फिर अंदर ही रह जाएगा ना, हदाल है। मुझे तो पहले एक निकल, 2 मिनट का स्टॉप यहाँ पहले। ऑलरेडी हम लोग 3-3 बैठे हुए और कितना साइड हुए, सामान है। ये देखिए यहाँ भीड़ अलग, भीड़ ही भीड़। अरे पापड़े मार लगा लगा मार, अरे 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 इतना लोग किधर से चढ़ेगा, मुझे लगता है इधर से चढ़ेगा उधर से निकल जाएगा। अब बाथरूम एक सहारा बचा है, देखो ना क्या भीड़ है। बाहर का हाल देखो यार, अब तो मैं ये सोच रही हूँ यहाँ तो एकदम ठुसाड़ ठुसा के पूरा भरा हुआ है, इधर से लोग चढ़ेंगे उधर से सब ढंगला के उतर जाएगा। अरे बहुत बहुत, किसको किसको देखना था यार मेरी जनरल वाली व्लॉगिंग। अरे भाई थोड़ा सामान हटा के, तो आज आपको दिखाते हैं थर्ड एसी में जनरल का व्यू थोड़ा सा। अरे आंटी हम लोग थोड़े से में तो है, 3-3 बैठे हुए अब कहाँ, मतलब देखो ना अपना बैग हटाइए। अरे बाप रे लगेगा बैग से छूट, कोई भी ठीक
बाहर क्या हो गया, खेल रहा है, ठोक ठाक कर रहा है पूरा बाहर। मेरा साड़ी चल जाता है, सब ढकेलते थे कि देखिए ना हालत क्या हो चुका है। जगह है नहीं, सब जेंट्स, सब कोई उधर नहीं चढ़ने जाएगा, सब इधर ही चढ़ेगा। अभी भी चढ़ रहा है ना सब, देखिए क्या हाल है। उधर पूरा मार लग गया, बैग यहाँ रख दीजिए खोल के। देखो हालत क्या है लोगों का, ऊपर से हम लोग गेट के जस्ट बगल में ही बैठे हैं तो और ज्यादा हम लोग को झेलना पड़ रहा है, जगह ही नहीं है। कैसे अब ऐसी काम भी नहीं करेगा, इतना ज्यादा हीट हो गया है ना, मतलब जनरलों से बदतर हो गया। जनरल में हमसे मीटर खुल्ला लो तो रहता है। अभी एक अननोन हॉल्ट पे हमारी गाड़ी रुकी है, ये देखो जटमुंडरी हॉल्ट पुनपुन से 1 किलोमीटर पहले है, वहीं पर कोच की हालत अभी भी वैसी के वैसी बनी हुई है। कोरोना का वेव चल रहा है। नहीं नहीं, तो एक वेव आया था ना पहले, अंदर फेंक दिया, एक और वेव आएगा तो पता नहीं उधर से बाहर हो जाए। वही ना बोल रहे कि इधर से ऐसा ढकेले कि उधर से बाहर। ये देखिए लोग कैसे लटक कर जा रहे हैं। ये हाल एसी का है, तो जनरल का क्या हाल होगा। कम से कम 10 को लटका हुआ नजर आता हूँ। फाइनली यार हम लोग पहुँच चुके हैं पटना जंक्शन। लोगों का उतरना होगा चालू, यहाँ से तो भीड़ ही भीड़ है। बैग रखा हुआ था सब कुछ, मतलब पूरा था, हर तरफ से हमें पैक थी, मतलब होता नहीं बस इतना छोटा सा जगह है उतना में ये बैठ के जा रहे थे। हमारे ऊपर वाले सीट में भी तो आई थिंक 3 या 4 लोग बैठे हुए होंगे। ऊपर वाला सीट तो हम लोग ने 4 बजे सुबह से ही छोड़ दिया था, तो हल्का मच गया है। इतना फास्ट, चलो हाँ हाँ भाई अंततः पहुंच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन। लास्ट का जो 1.5 घंटा था ऐसी जानलेवा था ना कि क्या बताऊं, इतनी भीड़ कि आप सोच भी नहीं सकते। बैंड बजा दिया, इतनी चेन पुलिंग हुई है, लोग एकदम कोच के जनरल की तरह चढ़े हैं एसी में। मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि यहाँ से मेरी अगली ट्रेन जर्नी है। तो यार हमारा ये जो पलामू एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस था ना, वो तो मैंने आपको अपने साथ शेयर कर दिया। आपने कभी इस पे सफ़र किया है या नहीं मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर किया है तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो यार गया के बाद से बहुत बहुत बुरा रहा। बता कि आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।